स्पेस एक्सप्लोरेशन के रेस में एक के बाद एक देशों की लाइन लगी हुई है। हमारा इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही में 23 अगस्त को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद के साउथ पोल पे सक्सेसफुल तरीके से किया और दुनिया का पहला देश बन गया साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला, जिसके बाद पूरी दुनिया की निगाह इंडिया पे टिकी हुई है। स्पेस के बाद इंडिया दुनिया का 6th कंट्री बनने जा रहा है जो डीप सी वाटर यानी समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करेगा। इस मिशन का नाम होगा समुद्रयान। तो इस वीडियो में इस मिशन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। समुद्रयान, इस नाम को ब्रेक करने पे हमें समुद्र मतलब ओशियन और यान मतलब व्हीकल मिलेगा। इस मिशन का एम है एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैंड सबमर्सिबल बनाने का जो 3 इंसान को समुद्र की 6000 मीटर की गहराइयों तक ले जा सके। लेकिन इंडिया के लिए समुद्र की इतनी गहराइयों को स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है? दरअसल हमारे पृथ्वी का 70% एरिया ओशियन कवर करता है जो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इतने डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अभी तक 95% डीप ओशियन अनएक्सप्लोर्ड है, यानी 95% समुद्र की गहराइयों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इंडिया की बात करें तो हमारा देश 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्रीज 7500 किलोमीटर लंबा है, जिसके आसपास देश की करीब 30% पॉपुलेशन रहती है और यही कोस्टल एरिया हमारे इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें फिशरीज, टूरिज्म और इंडियन पोर्ट्स शामिल हैं। इसीलिए इंडिया के लिए डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली सबमर्सिबल का एक शुरुआती डिजाइन तैयार कर लिया गया है जिसका नाम है मत्स्या 6000। इस व्हीकल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने बनाया है और इसमें सपोर्ट के लिए इसरो, IITM और DRDO जैसे संस्था शामिल हैं। इस व्हीकल को इस तरीके से बनाया गया है कि ये समुद्र की गहराई में मौजूद प्रेशर को झेल सके और ये व्हीकल कैपेबल है 12 घंटे का डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए और इमरजेंसी के केस में इसे 96 आवर तक समुद्र की गहराइयों में रखा जा सकता है। इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिससे डीप सी माइनिंग किया जा सके और समुद्र की गहराई में मौजूद मिनरल्स और रिसोर्सेस को एक्सप्लोर किया जा सके और साथ ही साथ मरीन बायोडायवर्सिटी को अच्छे से स्टडी किया जा सके। ओवरऑल इस मिशन से इंडिया बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकेगा ओशियन के बारे में। इस मिशन का टोटल बजट है अप्रोक्स 4000 करोड़, जो 5 साल के फेज में खर्च किया जाएगा। तो इंडिया के इस मिशन के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।